हेलो स्टूडेंट्स, वी आर कंप्लीटिंग एमसीक्यू बेस्ड ऑन केस सिनेरियो। सो किस केस सिनेरियो बेस्ड ऑन रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसिंग लाइबिलिटी एंड अवर मेजर टॉपिक इज इंक एस 19 विच इज रिलेटेड विद अवर एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड वी आर डूइंग टॉपिक ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान। सो लेट अस सी दैट आर गिवन इन दिस सिनेरियो। सो वी आर गिवन दैट द अकाउंटेंट मिस्टर कृष्णा ऑफ पूना लिमिटेड So based on advice from actuaries regarding contribution levels and overall liabilities of defined benefit retirement plan to pay benefits to past and present employees provides the following information. On 1st April of current financial year, the actuaries of the company advised that present value defined benefit obligation was 288,420 and on the same date the fair value of the assets of the defined benefit plan was 249,670 and annual market yield on government bonds is 8%. So means आपको balance ये है, opening balance है 1st April of current financial year for defined benefit obligation which is liability and defined benefit asset which is called the plan asset. Then during the year ended 31st March, so Kuna Limited made a contribution of 33,650 into the plan and plan paid out benefits of 2162 retired members. फिर आपने कुछ contribution किया है plan assets में और कुछ benefits आपने pay किए हैं and both did the payments were made on 31st March at year end and actuaries advised that current service cost for current financial year वाज रुपये 29,760। फिर आपको करंट सर्विस कॉस्ट मेंशन की है एंड ऑन 28 फरवरी का रूल्स होगा प्लान वाला बैंकेज विद रिट्रोस्पेक्टिव फैक्ट। फिर पिछले सालों से हमने कुछ अमेंडमेंट की है एंड दीज अमेंडमेंट्स मैंक दैट ट्रैकिंग वैल्यू डिफाइन ऑब्लिगेशन वाज इंक्रीज बाय 7,280 जिसको हम देखें पास्ट सर्विस कॉस्ट उसका अमाउंट आपको दिया है। देन ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31st मार्च सो कूना लिमिटेड वाज इन नेगोशिएशन विद एम्प्लॉई रिप्रेजेंटेटिव्स रिगार्डिंग प्लान रिडंडेंसी। तो कुछ अब आपकी रिडंडेंट पेमेंट्स हो रही हैं, नेगोशिएशंस आपकी कंप्लीट हो गई हैं, इम्पैक्ट को गिल रिडंडेंसी वाज को रिड्यूस प्रेजेंट वैल्यू डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन तो उसके बेस पर आपकी कुछ ऑब्लिगेशन रिड्यूस हो जाएगी बाई 38,390 बट पेमेंट इज मेड फॉर 36,270। तो उसमें आपकी जो सेटलमेंट हो रही है उसमें डिफरेंट जो है वो गेन या लॉस बन जाएगा। पर अगर आपको मेंशन किया है ऑन 31st मार्च एट ईयर एंड देन एक्चुअल वैल्यूएशन ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन ये 326,480 एंड डिफाइंड बेनिफिट एस प्लान ऐसे की 268,340। ये आपको रेखा मेंशन किया है क्वेश्चन में। अब आपको डिटरमिन करना है व्हाट इज अमाउंट ऑफ नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस और इनकम को भी चार को पी एंड एल फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर। इंटरेस्ट का कितना एक्सपेंस है इनकम है वो डिटरमिन करना है, अमाउंट को नेट एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट को भी चार को पी एंड एल एंड अमाउंट को नेट रीमेजरमेंट गेन और लॉस ऑन डिफाइंड बेनिफिट एसेट एंड ऑब्लिगेशन को भी ट्रांसफर को अगर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर। तो इसलिए स्टेटमेंट बनाते हैं ऑफ डीबीओ एंड डीबीए, उससे सारी कैलकुलेशन हो जाएंगे। तो कंपनी जो को आपको मेंशन की है जिसे कि पूना लिमिटेड एंड वी हैव अ करंट फाइनेंशियल ईयर। लेट अस शो स्टेटमेंट, अमाउंट आपका है रुपीज में जिसे कि स्टेटमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन को एक कॉलम बना लेते हैं डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन और एक है आपका डिफाइंड बेनिफिट एसेट। उसका देखो आपको बैलेंस दे रखा है ओपनिंग बैलेंस ठीक है ऑन 1st अप्रैल ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। तो डीबीओ का बैलेंस आपको मेंशन किया है जिसे 288,420 एंड फॉर डीबीए आल्सो एक गिवन 249,670। अब इसके ऊपर देखो आपने इंटरेस्ट चार्ज करना है ऐड, तो उसका आपको डिस्काउंट रेट दिया है 1% जो गवर्नमेंट के रिटर्न है। डीबीओ के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस बन जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस तो एट द रेट ऑफ 8% और प्लान ऐसे के ऊपर आपकी इनकम आ जाएगी इंटरेस्ट इनकम जिसे ऑल्सो एट द रेट ऑफ 8%। तो जिस वो कैन कैलकुलेट जिसे जो 288,420 इंटू 8% जिसे 23,074 तो राउंड ऑफ कर दिया हमने यानी कि 249,670 इनकू 8% किसी 19,974। फिर आप देखिए और क्या क्या आइटम्स ऐड होंगे आपकी, अब इसमें ऐड हो जाएगी आपकी
करंट सर्विस कॉस्ट है, पास्ट सर्विस कॉस्ट है, फिर कुछ आपने कंट्रीब्यूशन किया है प्लान एसेट में, ऐड कंट्रीब्यूशन टू प्लान एसेट। ये होता है कि आपने प्लान एसेट परचेज किया है DBA, तो वो आपको मेंशन किया है कंट्रीब्यूशन 33,650। फिर आपने कुछ बेनिफिट्स जो हैं पे भी कर दिए हैं, तो बेनिफिट्स वो आपके लेस हो जाएंगे, लेस बेनिफिट्स पेड। बेनिफिट्स पेड मीन्स ऐसे सेल हो गई है और लाइबिलिटी आपने पे कर दी है, तो उसका अमाउंट है वो आपको मेंशन किया है 2160। तो ये दोनों ही जगह से आपका माइनस हो जाएगा। फिर आपके ऐड हो जाएगी करंट सर्विस कॉस्ट एंड जो पास्ट सर्विस कॉस्ट, जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आपने DBA इंक्रीज की है। करंट सर्विस कॉस्ट आपको मेंशन की है जिसे 29,760 एंड पास्ट सर्विस कॉस्ट है 7,280। फिर कुछ आपकी सेटलमेंट हो रही है रिडंडेंसी, उनकी पेमेंट हो जाएगी, वो भी लेस कर दीजिए आप। उसके कारण जो DBA आपकी रिड्यूस हो रही है वो आपको मेंशन किया है 38,390, तो ये आपका लाइबिलिटी में से माइनस हो जाएगा। और उसके लिए एक्चुअल जो पेमेंट आपने किया है बाय सेलिंग एसेट 36,270 किसी जो 36,270, तो इसमें जो डिफरेंस है आपका वो आपका PNL में चार्ज हो जाएगा। उस तरीके से ये आपके बैलेंस आ जाएंगे। फिर आपको क्लोजिंग फेयर वैल्यू मेंशन की है, लेकिन सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस एक्ट पर बुक्स। तो जिस बैलेंस की कमी 289,984 एंड बैलेंस ऑफ DBA जो कमिंग 246,864 एंड देन वी आर गिवन इट्स फेयर वैल्यू, क्लोजिंग फेयर वैल्यू भी आपको मेंशन की है। तो जिस यहाँ पर क्लोजिंग फेयर वैल्यू ऑफ DBO एंड DBA, सो जिस गिवन 326,480 एंड 368,340। DBO जो आपका इंक्रीज हो रहा है, ये एक्चुअरियल आपका लॉस में जाएगा, इसको कहते हैं नेट री एक्चुअरियल लॉस और किसी जासू का आगे नेट री मेजरमेंट गेन और लॉस। उस केस में देखिए आपको लॉस हो रहा है 326,480 माइनस 289,984 36,496 और प्लान एसेट में आपको गेन हो रहा है 268,340 माइनस 246,864 21,476। ये आपका इंक्रीज एसेट में वो गेन है, जिसे इंक्रीज इन लाइबिलिटी को ये आपका लॉस बन जाएगा। अब आप देखो डिफरेंट MCQ का आंसर हम देखते हैं। नंबर वन कह रहा हूँ बाकी नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस और इनकम जो आपने PNL में चार करनी है। नंबर वन तो इंटरेस्ट का देखो ये एक्सपेंस है आपका और ये आपकी इंटरेस्ट की इनकम है। एक्सपेंस इज मोर इट मीन्स नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा जो आपने डेबिट करना है PNL में। तो डेबिट इक्वल टू 23,074 माइनस 19,974, तो दिस विल बी नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस जो आपका PNL में चार्ज हो जाएगा। तो दिस अमाउंट इज 3,100 अमाउंट रुपीज में है 3,100 नेक्स्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस विच इज गैदर के कू PNL। नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर यू ऑप्शन नंबर सी। तो गैन वी हैव सेकंड MCQ गैर आस्किंग डिटरमिंग अमाउंट ऑफ एम्प्लॉई बेनिफिट कॉस्ट टू बी चार को PNL। अब देखिए एम्प्लॉई की बेनिफिट कॉस्ट कितनी आएगी आपकी, जिसे एम्प्लॉई बेनिफिट कॉस्ट जो अपने PNL में चार करनी है विच इज गैदर के कू PNL। एम्प्लॉई बेनिफिट कॉस्ट में देखो आपकी आ जाएगी नंबर वन जो करंट सर्विस कॉस्ट है, पास्ट सर्विस कॉस्ट जिसे 29,760, सो पास्ट सर्विस कॉस्ट 7,280 प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस है 3,100, ये भी PNL में चार्ज होगा। और एक आपका नेट लॉस आ रहा है जो आपकी रिडंडेंसीज हैं उसकी पेमेंट की है, और ये पेमेंट की है आपने और ये आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, तो उसमें गेन हो रहा है हमें, तो वो आपका माइनस हो जाएगा। लेकिन सी हाउ मच इज दिस गेन 38,390 माइनस 36,270। लाइबिलिटी ज़्यादा रिड्यूस हो रही है, पेमेंट आपकी कम हो रही है, 2,120 को आपको गेन हो गया। तो ये अमाउंट्स हैं जो आपके PNL में चार्ज होंगे फॉर एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस। तो लेकिन सी जिस अमाउंट है 29,760 प्लस 7,280 प्लस 3,100 माइनस 2,120 38,020। तो यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर इज यू ऑप्शन नंबर बी इज यू करेक्ट।
तो इनकी स्ट्रक्चर भी है डिस्कस करके सिनेरियो बेस्ड ऑन इंडियस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट विल बी द मेजर टॉपिक ऑन रिफाइंड बेनिफिट प्लान। पर जो टॉपिक कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।